हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो क्या बेटा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर एल्केन पे डिस्कस किया था। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेयर एल्केन विद मेटल्स, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इसकी रिडक्शन रिएक्शन को लेकर। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, और एक रिएक्शन बेटा जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हल्की सी रिएक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं बेटा लास्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा आईआईटी जेम्स के लिए काफी आईआईटी नीट के लिए काफी हद तक इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन रहने वाली होती है, जिसका नाम क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बेटा क्या होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा इसने बोला है कि आप हेलो एल्केन लो, लेकिन उस हेलो एल्केन के पास खासियत क्या होगी, उसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। अब बात आती है सभी अल्फा बीटा ये सिस्टम क्या होते हैं, समझ से बाहर है, तो एक बार अल्फा बीटा आप डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके कार्बन की चेन है बेटा, और इस कार्बन की चेन के अंदर मान लो सपोज करो कि इस कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा। यहाँ पे कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के अंदर क्या जुड़ा हुआ बेटा, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा। तो जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा वो कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा आपका अल्फा। जस्ट अगला कार्बन कौन सा कहलाएगा बेटा बीटा। जस्ट अगला कार्बन कौन सा कहलाएगा बेटा गामा। उससे जस्ट अगला क्या कहलाएगा बेटा आपका बीटा। तो कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि जिस कार्बन के साथ आपका कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। आप क्या बोल सकते हो बेटा कि जिन कार्बन के बीच में मान लो कंडीशन में ये लेता हूं बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है बेटा। तो उसने बोला बेटा कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ, उससे जस्ट अगला कार्बन भी कौन सा कार्बन कहलाएगा बेटा आपका अल्फा कहलाएगा। बेटा अल्फा बेटा ये कहानी समझ में आनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन समझ में आ पाएगी। दो कंडीशन बताई मैंने, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो कहलाएगा अल्फा, उससे जस्ट अगला बीटा, उससे जस्ट अगला गामा, उससे जस्ट अगला कहलाएगा बीटा। क्लियर है। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर बेटा, तो जिन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसको राउंड कर लो पहले, तो फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में उसको राउंड कर लिया। अब ये राउंड जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आपको कौन सा कहलाएगा बेटा आपका अल्फा, उससे जस्ट अगला कौन सा बन जाएगा बेटा बीटा, उससे जस्ट अगला कोई होता क्या बन जाएगा बेटा गामा। एंड सो इस प्रकार से वो भी लगातार आगे बढ़ता रहता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो क्या कहलाएगा बेटा आपका अल्फा। डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल ट्रिपल कार्बन को क्या कर लो राउंड कर लो, वो भी किसकी तरह काम करता है फंक्शनल ग्रुप की तरह। अब ये राउंड कर दिया तो इसको क्या मान लो बेटा फंक्शनल ग्रुप मान लो, इसको राउंड करने के बाद इसको क्या मान लो फंक्शनल ग्रुप मान लो। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो कौन सा कहलाएगा बेटा आपका अल्फा कहलाएगा। तो अल्फा बीटा क्लियर है बेटा। एक और लेते हैं, एक एक कंडीशन देखिए, ये वो कार्बन है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जस्ट अगला मैंने क्या बोला था अल्फा, तो ये कौन सा बेटा सॉरी जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन कहलाएगा बेटा आपका अल्फा। जस्ट अगला कौन सा कहलाएगा बेटा, तो इससे जस्ट अगला ये भी हो सकता है, इससे जस्ट अगला ये भी हो सकता है। अगर मैं इधर बढ़ रहा हूं तो ये हो जाएगा, इधर बढ़ रहा हूं तो ये हो जाएगा, तो ये भी कौन सा कहलाएगा बेटा बीटा कार्बन, और ये भी कौन सा कहलाएगा बीटा कार्बन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर कितने बीटा कार्बन होंगे बेटा आपके, दो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है। सेम कंडीशन आप ट्रिपल या डबल बॉन्ड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3 CH2C, यहां पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे मैंने लिख दिया मान लो CH3।
तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा है, भी आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा है, ये भी क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कहलाएगा। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी अल्फा और बीटा की कहानी। अब आगे बढ़ते अपनी कौन सी रिएक्शन पर, एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो देखिए बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कुछ बोला गया, देखिएगा क्या कुछ बेटा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसने बोला बेटा कि व्हेन हैव एल्केन, व्हेन हेलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन, व्हेन हेलोएल्केन विद बीटा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद, इज ट्रीटेड विद एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक KOH, देन इट गिव्स एल्केन। इसने बोला बेटा कि जब आपका हेलो एल्केन जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि आप क्या लोगे, हेलो एल्केन लोगे, उस हेलो एल्केन में क्या खास है, तो बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कि जब आप हेलो एल्केन जिसमें क्या प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको किसके साथ गर्म करो बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करो, किसके साथ गर्म करो बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ आप उसको गर्म करो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्कीन मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक तो होता है बेटा एल्कोहलिक KOH और एक होता है बेटा आपका एक्वस KOH। ध्यान से सुनिएगा, एक तो होता है आपका एल्कोहलिक KOH और एक होता है बेटा आपका एक्वस KOH। अगर आपने यहाँ पर एक्वस KOH लिया बेटा, तो यही काम करेगा बेटा आपके न्यूक्लियोफाइल्स का, किसका काम करेगा बेटा, ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा। जबकि जो आपका एल्कोहलिक KOH होता है बेटा, ये काम करता है बेस का। जो आपका एल्कोहलिक KOH होता है ये किसका काम करता है बेटा, ये काम करता है बेस का। और जो आपका एक्वस KOH होता है ये किसका काम करता है बेटा, ये काम करता है आपके न्यूक्लियोफाइल्स का। ये बात दिमाग में डाल रखा है, काफी बच्चे गलती करते हैं कि एक्वस के स्थान पर किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्वस KOH का इस्तेमाल कर लेते बेटा। तो आपका एक तो एल्कोहल के अंदर डिजोल्व किया गया KOH और एक पानी के अंदर डिजोल्व किया गया बेटा। तो जो वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया वो किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और जो अल्कोहल में डिजोल्व किया गया वो किसका काम करेगा बेटा, आपके लिए बेस का काम करेगा। तो आपने यहाँ पर कौन सा अल्कोहल का इस्तेमाल किया बेटा, एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया है, जो किसका काम कर रहा है बेटा, एक बेस का काम कर रहा है। अब देखिएगा क्या कुछ होने वाला है। अब बेस क्या करता है बेटा, बेस एसिड में से H पॉजिटिव को लिबरेट आउट करवाता है। जो बेस है वो क्या करता है बेटा, एसिड में से H पॉजिटिव को क्या करवाएगा, लिबरेट। देखिएगा क्या कुछ होने वाला है। तो आपने क्या बोला बेटा, हमारे पास हेलो एल्केन जिसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिएगा, मान लो हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH3 CH2 और मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा Br और प्लस ये हमने लिखा बेटा KOH और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, AlCl का मतलब एल्कोहलिक, A का मतलब एक्वस। तो ये हमें शो करना होगा बेटा कि यहाँ पर जो हमने KOH का इस्तेमाल किया है वो आपका एल्कोहलिक है या फिर एक्वस है। तो अब क्या होने वाला, देखिए बेटा यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या होगा कि ये जो आपका बेस है OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव बेटा, मैं इसको यहां से ऐसे लिखूं CH3 और CH2H लिख सकता हूं। ये आप फिर अगर मान लो मैं लिखना चाहूं तो Br को इस साइड में लिख दूं, H को इस साइड में लिख दूं तो भी सही। ये आपका कौन सा कार्बन हो गया अल्फा, ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा बीटा, और बीटा कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएंगे आपके, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कौन सा हाइड्रोजन कहलाएंगे बेटा, वो आपके बीटा हाइड्रोजन। तो ये आपका बीटा कार्बन और बीटा कार्बन के साथ जो आप तीन हाइड्रोजन देख रहे हो, ये तीनों हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएंगे बेटा, आपके बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब क्या होने वाला बेटा, यहां से जो आपका KOH है उसमें से जो आपका OH बेस है वो OH क्या करेगा, वो OH इस H को अपने साइड में क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये OH जैसे OH को इस H को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा तो ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा। अब जैसे H OH के पास आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, कार्बन को दे जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, डबल। अब जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन देखो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। अगर यहां पे डबल बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 वैलेंसी हो जाएगी। ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ देगा और यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा बेटा। दोबारा से सुनना, हाइड्रोजन बिहेव लाइक एज ए लिविंग ग्रुप। अपने लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो किसका काम करता है बेटा, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप का काम करता है। हाइड्रोजन किसका काम करता है बेटा, एक
बेस्ट लिविंग ग्रुप का काम करता है। तो जैसे आपका OH बीटा हाइड्रोजन को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा तो बीटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे जाएगा, और जैसे हाइड्रोजन के द्वारा यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे वैसे ही अल्फा कार्बन हैलोजन के साथ अपने बॉन्ड को तोड़कर हैलोजन को क्या कर देगा, यहां से निकाल देगा। देखिए बेटे ये सारी घटना एक साथ हो रही है। जैसे OH खींचेगा H अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जैसे H इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहां से Br निकल जाएगा। अब क्या होगा बेटा कि जैसे ही H अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा और Br जब यहां से निकलेगा तो इस कार्बन में क्या बॉन्ड बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया बेटा, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2+। इस मॉलिक्यूल में से क्या क्या निकल रहा है, इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है। निकलने को क्या बोलते हैं, डी। क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रो, हैलोजन निकल रहा है हैलोजन। तो इस रिएक्शन का एक नाम और भी हो गया जिसका हम क्या बोलते हैं बेटा, डी हाइड्रोहैलोजनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी हाइड्रो हैलोजनेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। आपकी जो एलिमिनेशन वो कौन सा हो रहा है, यहां से कौन सा सब्सटेंस एलिमिनेट हो रहा है, बीटा। तो हम इस एलिमिनेशन को कौन सा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं बेटा। तो दोबारा से सुनिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या कुछ बोला गया बेटा कि जब आपका हेलो एल्केन जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और जब हम उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, एल्कोलिक KOH के साथ, तो क्या होगा बेटा, यहां से आपको क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। क्या होता है कि जो आपका एल्कोलिक KOH होता है वो किसका काम करता है, बेस का काम करते हैं, और वो बेस क्या करता है, इसमें से H पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस OH ने बीटा हाइड्रोजन को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे वो बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा बेटा, जैसे हाइड्रोजन इसकी साइड में अट्रैक्ट होगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कार्बन को दे जाएगा, और ये कार्बन यहां पर कैसा बॉन्ड बना लेगा, डबल। कहने का मतलब इस कार्बन की कैसा बॉन्ड बन गया बेटा, डबल। अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो ये कार्बन क्या करता है बेटा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन सा होता है बेटा, हैलोजन। तो यहाँ पर जो हैलोजन उसको ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या होगा बेटा कि K यहाँ से Br यहाँ से, क्योंकि OH तो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा बेटा, ये तो बनाएगा H2O प्लस K यहाँ से Br यहाँ से, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका KBr, और आपकी क्या बन जाएगी बेटा, एल्कीन। क्या बन जाएगी बेटा, एल्कीन। और इस रिएक्शन में आप हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकलते देख रहे हो, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। और इस एलिमिनेशन में कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा बेटा, बीटा, तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और केस लेते हैं, इसे एक समानी एलिमिनेशन रिएक्शन के एक सेकंड केस लेकर देखते हैं, उसके अंदर देखना क्या कुछ हो रहा है आपका। हमने यहां पे लिखा बेटा कि CH3, CH2, CH3, तो मैंने क्या करते हैं यहां पर क्या लगा दिया इसके बाद Br, और मैंने इसको ट्रीट किया बेटा एल्कोलिक KOH के अंदर, किसके अंदर ट्रीट किया बेटा, मैंने इसको एल्कोलिक KOH के अंदर। अब देखिए क्या होता है, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, अल्फा कार्बन। अगर ये अल्फा है तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका बीटा कार्बन। ये अगर आपका अल्फा है तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, आपका बीटा कार्बन। बात समझ में आ रही है बेटा, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका बीटा। अब देखिए जब दो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में आपके दो दो बनेंगे, कैसे बनेंगे देखिएगा। सपोज करो मैं पहले इसको बीटा मानता हूं, इसके बजाय मैं पहले इसको बीटा मान रहा हूं बेटा। अगर मैं इसको बीटा मानता हूं यहां से तो क्या होगा बेटा, यहां का जो एच है वो OH के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, और जैसे यहां से H निकलेगा इसका बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां से Br निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब यहां से H निकलेगा तो इस कार्बन और उस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पे, तो बनेंगे ये डबल बॉन्ड। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगी आपकी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो बनेगा प्रोडक्ट आपका ये, दोबारा से देखिएगा बेटा, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया जिसके साथ आपको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जस्ता ज्यादा कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, इस साइड में आओगे तो ये भी आपका बीटा कार्बन कहलाएगा, यानी कि आपके ये वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर दो दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब होना क्या है कि दोनों में से एक बार में एक ही बीटा को माना जा रही है, तो यानी कि ये OH इस पर भी अटैक करेगा और एक साथ उस पर भी अटैक करेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो OH ने इस पर अटैक करना है या OH ने इस पर अटैक करना है,
तो सपोज करो कि OH ने पहले इस पर अटैक कर रहा है, जब OH इस पर अटैक करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, दूसरी साइड पे चलो बेटा। अगर आपके बाद OH ने इस पर अटैक किया तो इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा आपकी रिएक्शन CH3, यस इट इज राइट बेटा। ये क्या बन गया बेटा आपका CH2, CH2 में से एक H निकल कर बाहर चला गया बेटा, तो ये क्या बच गया बेटा आपका CH और यहां पर डबल बॉन्ड CH और आगे कौन लगा हुआ है बेटा यहां पे CH3, यस इट इज रह जाएगा बेटा आपका CH3। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बेटा? अब आगे देखिएगा क्या हो सकता है। एक बार OH ने इस पर अटैक किया तो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, एक बार OH ने इस पर अटैक किया तो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। ये भी आपकी एल्कीन है और ये भी आपकी एल्कीन है, ये भी आपकी एल्कीन है और ये भी क्या है आपकी एल्कीन है। यानी कि रिएक्शन एक एल्कीन प्रोडक्ट की तरह बने बेटा। तो हमने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले कि जब एक रिएक्शन में एक ही प्रकार के दो प्रोडक्ट बने यानी कि एल्कीन एल्कीन दो बन गई, तो उन दोनों एल्कीन में से एक एल्कीन कैसी होगी, ज्यादा होगी, और एक एल्कीन कैसी बनेगी, कम बनेगी। यानी कि एक तो मेजर प्रोडक्ट होगा और एक कौन सा बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों एल्कीन में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए 1875 के अंदर ध्यान से सुनेगा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन बेस्ट रहेगी, 1875 के अंदर एक रशियन केमिस्ट, एक कैसा केमिस्ट था, रशियन केमिस्ट की रूस का केमिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर जेट्सेव, अलेक्जेंडर जेट्सेव कैसा केमिस्ट था बेटा, एक रशियन केमिस्ट जिसका नाम क्या था बेटा अलेक्जेंडर जेट्सेव के द्वारा एक रूल दिया गया बेटा, जिस रूल को हम आज के समय जेट्सेव रूल के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा सेट्जेव रूल। क्या नाम देते हैं बेटा उस रूल को, हम आज सेट्जेव रूल का नाम देते हैं बेटा। तो अलेक्जेंडर जेट्सेव के द्वारा जो रूल दिया गया उस रूल को हम किसका नाम देते हैं बेटा, सेट्जेव रूल का नाम देते हैं बेटा। ये रूल क्या, कौन सा रूल कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका सेट्जेव रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्या नाम बेटा इसका, सेट्जेव रूल। अब सुनिएगा क्या कुछ बोल रहा है बेटा सेट्जेव रूल के अंदर, किसके द्वारा दिया बेटा अलेक्जेंडर जेट्सेव के द्वारा इसको गिवन करता है, इसको द्वारा गिवन बेटा है जेट्सेव के द्वारा इसको गिवन, बस ये नाम याद रखने प्लीज कभी टोल आएगा आप अभी ध्यान से सुनिए बेटा। जेट्सेव ने क्या बोला या इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया बेटा कि आपके पास दो एल्कीन बनी है, हम बेटा उस एल्कीन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, वी गिव्स द प्रायोरिटी ऑफ दोज एल्कीन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ अल्काइलेट ग्रुप बेटा। जब आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनती है तो हम उस एल्कीन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे जिस एल्कीन के पास ज्यादा से ज्यादा अल्काइलेट ग्रुप होंगे, क्यों बेटा ज्यादा मात्रा में अल्काइलेट ग्रुप, यानी कि डबल बॉन्ड में जितने ज्यादा अल्काइलेट ग्रुप होंगे, या बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड को जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप घेरे हुए होंगे वो एल्कीन आपकी क्या मानी जाएगी, मेजर एल्कीन, अदरवाइज माइनर एल्कीन के नाम से जानी जाएगा। देखिए बेटा बेटा ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को देखो बेटा तो इस डबल बॉन्ड को कितने अल्काइल ग्रुप घेरे हुए बेटा, यहाँ पर तो एक अल्काइल ग्रुप घेरे हुए, अगर मैं यहाँ पर देखो तो इसको कितने कार्बन घेरे हुए बेटा, यहाँ पर आपके दो कार्बन घेरे हुए या दो अल्काइल ग्रुप बोल बेटा, ये अल्काइल ग्रुप आप किसको क्या किया बेटा सराउंड किए हुए, तो उसने बोला जिसमें जितनी ज्यादा एल्कीन क्या करती है बेटा सराउंड की जाती है अल्काइलेट ग्रुप के द्वारा वो एल्कीन क्या हो बेटा सबसे ज्यादा, नहीं आया समझ में, तो आप सिंपल से रूल गई है देखो इस अल्काइलेट के चक्कर में मचाओ बेटा। अब डाट आओ कैसे कि आप क्या करो बेटा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, क्या काउंट करो बेटा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, देखो कैसे रूल में तो आप लिख दो ना, अगर मान लो आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर लिख रिटर्न में आ जाए कि व्हाट इज सेट्जेव रूल, सेट्जेव रूल क्या है, तो सेट्जेव रूल क्या है इसको हमें लिखना पड़ेगा बेटा, तो लिखने के लिए हम क्या बोल देंगे कि व्हेन व्हेन हेलो एल्केन हैविंग बिटर हाइड्रोजन ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH देन प्रोड्यूस एल्कीन
we prefer the those alkene which have more number of alkylate group. बेटा हम उस एल्कीन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे जिस एल्कीन में क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अल्काइलेट ग्रुप होगा। लेकिन काफी बच्चे इस बात में क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करें कितना अल्काइलेट ग्रुप क्या प्रेजेंट है। तो आप उसके लिए छोड़ो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो और आपसे बोल दे बेटा इन दोनों रिएक्शन में से बताओ बेटा इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा रूल लगाओ बेटा क्या किन में से अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो बेटा। कैसे देखिए बेटा कैसे आप कैलकुलेट करोगे अल्फा हाइड्रोजन बेटा, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है उस कार्बन को राउंड कर लो पहले। जिन जिन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है डबल बॉन्ड बना हुआ है उन कार्बन को क्या कर लो बेटा पहले राउंड कर, और राउंड करने के बाद उनसे अगले कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट कर लो। जैसे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है बेटा बॉन्ड डबल बॉन्ड बना हुआ है तो इनको तो राउंड कर लो, ये आपने राउंड कर लिया तो ये कौन सा हो गया आपका अल्फा हो गया। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो आपका क्या कहलाएगा बेटा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा दो है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा सिक्स है, तो यहाँ पर जब अल्फा हाइड्रोजन आपके सिक्स है तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा बेटा माइनर प्रोडक्ट, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में बनेगा अभी ये कम मात्रा में बनेगा, यानी कि ये बनेगा 80% और ये कितना परसेंट बनेगा बेटा 20%। बेटा जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है ना इस मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या होता है बेटा जेड सेव प्रोडक्ट होता है बेटा। इस मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या होता है बेटा आपका जेड सेव प्रोडक्ट होता है बेटा। क्या होता है बेटा इसका नाम आपका जेड सेव प्रोडक्ट होता है बेटा। और जो आपका माइनर होता है बेटा इसका नाम होता है हुफमैन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होता है बेटा हुफमैन प्रोडक्ट होता है बेटा। दोबारा से सुन लो, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन की, आपके पास दो प्रकार की एल्किन आ गई, अब आप कंफ्यूज हो कि इन एल्किन में से ज्यादा स्टेबल एल्किन कौन सी होगी या पोस्ट इन दोनों में से मोर या मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो आप एक काम करो बेटा आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लो, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा इसके बजाय दूसरे के बजाय। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने का तरीका मैंने बोला है कि दो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को क्या कर लो राउंड कर लो, उससे जस्ट अगला कार्बन देखो बेटा जस्ट अगले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है देखो बेटा। यहाँ पर देखिएगा हमने इसको राउंड किया क्या, इधर कोई कार्बन है नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन इस साइड में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा दो। अगर इसको बोलूंगा तो ये कौन कहलाएगा आपको बीटा कहलाएगा, लेकिन हमें काउंट कौन सा करना बेटा केवल अल्फा काउंट करना है बेटा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए दो हो गए, यहाँ पर देखिए बेटा ये आपका अल्फा हो गए ये भी आपका अल्फा है तो ये तीन ये यहाँ पर कितने हो गए बेटा आपके छह हाइड्रोजन हो गए। तो जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो क्या होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट को हमने किसका नाम दिया बेटा जेड सेफ प्रोडक्ट का नाम दिए। हम इसको बेटा सेड सेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्या नाम से इसका दूसरा देना चाहेंगे हम इसको सेड सेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं बेटा आपने अगर आपके प्लस वन क्लास अच्छे से पढ़ी होती है प्लस वन क्लास के अंदर भी पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर आपकी जो हेलो एल्केन हेलोरिन बेटा उसमें से जो आपका हेलो एल्केन का पार्ट है ये क्या होता है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे बेटा जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन। पहले हेलोरिन के बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे उसके बाद उसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।